की बड़ी खबर आपको बता दें कि संविधान हत्या दिवस पर हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है। दरअसल संविधान हत्या दिवस के खिलाफ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी जिसे दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। वहीं आपको बता दें कि केंद्र के फैसले के खिलाफ ये याचिका थी। वहीं याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि केंद्र का फैसला इमरजेंसी की घोषणा के खिलाफ नहीं है बल्कि सत्ता और संवैधानिक प्रावधानों के दुरुपयोग के खिलाफ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि संविधान हत्या दिवस पर हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है। दरअसल संविधान हत्या दिवस के खिलाफ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी जिसे दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। वहीं आपको बता दें कि केंद्र के फैसले के खिलाफ ये याचिका थी। वहीं याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि केंद्र का फैसला इमरजेंसी की घोषणा के खिलाफ नहीं है बल्कि सत्ता और संवैधानिक प्रावधानों के दुरुपयोग के खिलाफ है।